अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई गोश्त, जिसके लिए मैंने प्याज ब्राउन कर ली है 1 अदद, और 2 अदद टमाटर और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और चिकन मैंने यहाँ पर धो ली थी पहले ही। ये आधा किलो चिकन है, आधा किलो की चिकन का मैं सालन बना रही हूँ। और एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में मैंने खाना पकाने का जो सालन पकाने का बड़ा चम्मच होता है वो 1.5 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, और इसमें मैं अब चिकन डाल दूंगी जो मैंने धो के रखी थी। और इसको हम अच्छी तरह से मैं थोड़ा सा गोल्डन कर लूँगी, इसको फ्राई कर लूँगी। गोल्डन नहीं, बस वाइट वाइट सी हो जाए ये, उस स्टेज तक इसको कर लूँगी, ताकि फिर इसमें मैं जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकूं। जब इस कंडीशन में हमारी चिकन हो जाएगी तो फिर हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। और ध्यान रखें, अगर किसी कटोरियों में कुछ बच जाता है तो आप पानी से हिला कर फिर डाल दें, रिस को ज़ाया ना करें। ये मेरे पास शान का कढ़ाई का सालन वो साशा था, सॉरी, तो वो मैंने इसमें यूज़ किया है, और घर के मसाले भी ऐड किए हैं, क्योंकि इससे ज़रा इजी हो जाता है मसाले यूज़ करने से। चाहे शान का ले लें या मेहरान आता है मेहरान का ले लें, चाहे जो मर्ज़ी आप पैकेट ले लें, या आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने इसमें कटोरी में डाल लिया था, तो ये मैंने मसाला डाल दिया। इसके बाद मैंने घर के मसाले डाले, कुटी मिर्च डाली है 1/2 चम्मच, पिसी मिर्च डाली है 1 चम्मच, और नमक डाला है 1/2 चम्मच, और ये आप अपने हिसाब से ज़रूरत डाल लीजिएगा नमक या मसाले भी। और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है चुटकी बराबर, और पिसा धनिया डाला है मैंने पूरा 1 चम्मच भर कर, और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और इसका मसाला हम भूनेंगे जब तक तेल मतलब जैसे अलग हो जाए थोड़ा सा। और थोड़ा सा इसको भुनाई करने के बाद मैंने इसमें जो टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट था मैंने वो डाल दिया। 2 टमाटर लिए थे मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ के, और हरी मिर्च मैंने 2-3 ली थी। तो फिर मैंने उसको मिक्स कर लिया। फिर ये मैंने जो प्याज़ ब्राउन करी थी वो भी मैंने, एक जो टमाटर का थोड़ा सा पेस्ट था मैंने वो अलग करके उसी में ही डाल दिया था, तो उसी में मैंने पेस्ट करके इसको उसमें डाल दिया, प्याज को भी और टमाटर और हरी मिर्चों को भी। और फिर मेरे पास ये हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक था। जब मसाला भुन जाएगा तो मैं उसमें ये डाल के थोड़ी देर ढक दूंगी। मसाला पूरा भुन गया था, मैंने इसमें हरी मिर्चे अदरक और हरी मिर्चे वो हरा धनिया डालकर इसको थोड़ी देर मैंने ढक दिया था। इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। और ये देखिए व्यूवर्स, इसका फाइनल लुक ये तैयार हो चुका है। इतनी लजीज इसमें से खुशबू आ रही थी, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।